और हमारे साथ में एक प्रसिद्ध सिंगर है इनसे, और हर कोई इनके चेहरे से वाकिफ है। आज जानकारी लेते हैं, परिचय लेते हैं, पूरी डिटेल्स लेते हैं भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी सर। थोड़ा वैसे तो सब जानते हैं आपको, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। मैं विशाल सिंह कविया, मेरा गांव सीकर जिले में है, दोहत के पास में दीपुरा चारणा। तो सर आपके बहुत से वीडियो हमने देखे हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सबसे पहले तो आपका कौन सा वीडियो वायरल हुआ जिसकी वजह से लोग आपको जानने लगे? वैसे तो मेरा जो सिंगिंग का काम है वो तो मेरे पिताजी सिंगर थे। अच्छा। और मैं 25 साल से सिंगिंग का काम कर रहा हूँ। 25 साल से आप ही कर रहे हो? हाँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहा हूँ। हाँ, पहले मैं पिताजी के साथ वहाँ प्रोग्रामों में जाता था, और उसके बाद में 2010 के बाद में मैं स्वयं खुद के प्रोग्राम लेने लग गया, और उससे पहले 10 साल में पिताजी के साथ काम किया। अच्छा। हाँ, और वीडियो तो ऐसा है कि जो वीडियो एक कोई वो तो कॉमेडी एक वीडियो था। अच्छा। वो 2021 में कोरोना के टाइम में वायरल हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कौन सा कुछ इस पर कुछ कीवर्ड हमें बताइए ताकि वो लोगों को खूब पसंद आए। वैसे तो टोटल मेरे जितने भी कॉमेडी वीडियो है सब वायरल है। हाँ। मेरा मेन काम तो सिंगिंग का है, कॉमेडी का काम नहीं है। अच्छा। परंतु प्रोग्राम में क्या होता है कि लोगों को नींद वगैरह आने लग जाए, हर टाइप के लोग आते हैं। हाँ, सही है। हाँ, तो वैसे मोटिवेशन स्पीकर का काम के लोगों को थोड़ा सा बताना अपनी संस्कृति के बारे में। मैं भजन संध्या के जो भी प्रोग्राम है सब करता हूँ। ज़्यादा मेरा काम चिरजा गाना है, करणी माता की, चिरजा माता जी। हाँ, बाकी भजनों का खता लावणी, जैसे मेरी राजा चंद मलियागिरी की खता है वो फेमस है, नानी भाई का मायरा है वो फेमस है, और चिरजाएँ काफ़ी फेमस है मेरी। तो सर सिंगिंग लाइन में जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी थे, उस वजह से आपने और सिंगिंग लाइन चुनी, लेकिन बहुत से जो लोग हैं उनके बैकग्राउंड में ऐसा सिंगर वगैरह नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि सिंगिंग लाइन में क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनको अच्छी ग्रोथ मिले? सिंगिंग लाइन में तो एक ही चीज़ है कि पहले तो अपनी जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे पुराने भजन हो जिनमें कुछ लोगों को मिले। आजकल नए नए सिंगर आ रहे हैं, उठपटांग जो भी गा रहे हैं, तो उनसे हासिल तो कुछ होना नहीं है। सत्संग का मतलब हमारी हिंदू संस्कृति है, उसको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी कथा हो, अच्छी वार्ता हो, जिनसे लोगों को सत्संग में बैठे तो कुछ मिले। अगर सत्संग में आए हैं तो उनको कुछ नहीं मिले तो मतलब नहीं है। आजकल थोड़ा नया ज़माना है, लोग हाई उलट को ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी सिंगर हैं, सब चल रहे हैं, सब अच्छे हैं। जैसे आप वो प्रोग्राम वगैरह करते हो तो उसमें हिंदी में बोलते हो या फिर मारवाड़ी में? मातृभाषा मारवाड़ी। अपने मारवाड़ी के अंदर ही लोग पसंद करते हैं आपको, है ना? तो जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं है कि भाई आपसे प्रोग्राम वगैरह करवाना चाहते हैं लेकिन करवा नहीं सकते पाते क्योंकि कॉन्टेक्ट पता नहीं होता, किस तरीके से आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? हिंदी का तो कोई इशू ऐसे नहीं है कि जो हमारे राजस्थान में यहाँ है तो उनको तो मारवाड़ी समझ में आती है। हाँ, मारवाड़ी। ये तो है नहीं कि वो कोई पोलैंड में जन्म लेके यहाँ आए। हाँ। और पोलैंड में जो जन्म लेके आएगा वो यहाँ जागरण नहीं करवाएगा। हाँ, जागरण तो वही कराएगा जिसको मारवाड़ी समझ, अपनी मातृभाषा है। हाँ। और इसमें जितना आनंद है। हाँ। उतना हिंदी में नहीं है, मजा मारवाड़ी में। मारवाड़ी आपने जो खुद की भाषा है, मैं जो बात करना को मजा ही कुछ वो अलग है। और फिर मारे तो शेखावाटी का फटकारा ही अलग है। लक्ष्मणगढ़ साइड में है या फतेहपुर साइड में है, क्या साहब बोलो था मैं ओल को हरे बोली के मैंने गोविंद डोटासरा जी अड़ो हम बिल्कुल मैं बैठेगा यहाँ साहब, वो तो आपने मारवाड़ी को तो अलग ही आनंद है। तो कोई जैसे प्रोग्राम वगैरह करवाना चाहते हो तो किस तरीके से आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है? कॉन्टेक्ट नंबर तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे सब मेरे नंबर है अवेलेबल है।